मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिला के विभिन्न क्षेत्रों में पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान भारी जनसैलाब इन जनसभाओं में पहुंचा। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनानी है। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि जिस पार्टी का कोई आधार नहीं है वो लोगों को गारंटियां दे रही है। शायद कांग्रेस की जिंदगी में इतना खराब वक्त कभी नहीं है जैसा आजकल चल रहा है। एक नेता, राष्ट्रीय नेता यात्रा पर निकले हुए हैं, भारत जोड़ो यात्रा। उनका क्या जोड़ने के लिए रह गया भाई? और कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। हमारे भी हिमाचल प्रदेश में आपने देखा कांग्रेस की अध्यक्षा बनाई गई, अध्यक्षों को समर्थन देने के लिए कहा कि चार स्तंभ चाहिए, चार कार्यकारी अध्यक्ष साथ में बनाए गए, दो लुटक गए और हमारे साथ आ गए। अब दो ही रह गए। जब पत्रकारों ने पूछा कि भैया आप क्यों छोड़ गए, एक ने कहा कि बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, हमको बहुत पहले आना चाहिए था। एक ने कहा कि भाई जिस कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता को यही मालूम नहीं है, क्योंकि महंगाई का एक कार्यक्रम किया, प्रदर्शन किया दिल्ली में, जिसमें कहा कि महंगाई ऐसी हो गई कि आटा 40 रुपए लीटर हो गया, उस पार्टी में क्या रहना बोलते हैं। देश का नेतृत्व करना चाहते हैं लेकिन अभी आटा कहां कैसे मिलता है, किलो के हिसाब से मिलता है या लीटर के हिसाब से मिलता है, यही मालूम नहीं। और दूसरी बात तो यह है कि बची कहां कांग्रेस। जैसे हमारे पहाड़ी भाषा में बोलते कि बेज्जा मुक्का, हमारी सरकार 18 प्रदेशों में, इनकी दो में है। जिस दिन इलेक्शन हो जाएगी वहां पर भी सफाई हो जाएगी, मैं दावे के साथ कहता हूं। और मैं तो उनको भी कहता जो आज हमारे पटल के मैदान में आई हैं, तो ये दिखाई दे रहा है, हमारी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं ना कि शुद्ध जी ना थी बात अपनी जी ना थी, खेती बात ना थी। और प्रियंका जी को मैं कहता हूं, मैं कहूँ ताबी के थे ढाकनी है ना थी शुद्ध जी। हिमाचल में हमारी सरकार ने 5 वर्ष के कार्यकाल में सेवा के भाव के साथ काम किया है। आज हमारा 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो, हम लोगों के बीच में सिर उठा करके जा रहे हैं। कोई उंगली उठा करके नहीं कह सकता है कि सरकार के ऊपर ये आरोप है। कहने के लिए बातें कही जाती हैं लेकिन हकीकत इस बात को लेकर के कहती है कि कोई उंगली उठा करके नहीं कह सकता, इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और कांग्रेस की स्थिति हम इस बात को देख करके कई बार हैरान भी हो जाते हैं। लोगों के बीच में प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के बीच में बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, लोग सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन फिर भी जबरदस्ती सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि विश्वास का बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया उनके ऊपर। और हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि हमारे पास ऐसा नेतृत्व है जिस पर विश्वास
देश नहीं दुनिया करती है। प्रचार कर रहे हैं यहां, जैसे विनोद जी बोल रहे हैं कि बोलते विनोद जी आपने क्या किया, कुछ नहीं किया। हम उन कांग्रेस के मित्रों को कहते हैं अगर कुछ नहीं किया तो तुम्हारी हालत ऐसे क्यों हुई पड़ी जय श्री राम। मैं एक जिले में गया, कहा कि मुझे कान के पीछे के एक नेता ने कहा कि यहां का जुड़ना विधायक है वो, यहां का नेता बोलता कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा ऐसा बोला करो। फिर दूसरे विधानसभा क्षेत्र में गया तो वहां भी कहा, यहां तो बड़ा प्रचार चला हुआ कि भाई मुख्यमंत्री बनूंगा, कितने बनने भाई बताओ तो सही, कितने चाहिए। हर आदमी मुख्यमंत्री बनकर के घूम रहा है। फिर कांग्रेस के नेता ने कहा, हमने कहा यार कितने मुख्यमंत्री बनाएंगे आप, बोल रहे जी बोलने के लिए क्या फर्क पड़ता है, सीट निकल जाएगी इस बहाने बोलते।